हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। टुडे एट द 27th ऑफ द अक्टूबर 2023 वी विल डिस्कस एडिटोरियल पब्लिश्ड इन द हिंदू न्यूज़पेपर। तो आज का जो एडिटोरियल है, देखा जाए इसमें जो एडिटोरियल सेक्शन को देखते हैं तो हमास ने जो हमला किया इसराइल पर, और उसके बाद जो है इसराइल ने रिटेलिएशन में जो हमला किया है उसको लेकर के एक आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आया। इससे पहले भी हम देखे हैं कई आर्टिकल आए हैं, लेकिन जो आज का आर्टिकल है वो डिफरेंट किस तरीके से है हम देखते हैं। अगर उसको हम इंडियन पर्सपेक्टिव में ध्यान दें तो जैसे कि हम जानते हैं भारत में विदेशी भारत में हमेशा से हमला करते रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं गुप्त वंश के समय में भी, अशोक के समय में, गुप्त वंश के समय में भी हमला होते रहे हैं। तो यहाँ पर यह डिस्कस किया गया है कि जो इजराइल यहूदी हैं, इन्होंने फ़लस्तीन की ज़मीन पर हमला करके उसे छीन लिया और अब फ़लस्तीनियों को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। जैसे कि भारत में मोहम्मद गजनवी भारत आया तो यहाँ पर लूटा संपत्तियों को लेकर चला गया। मोहम्मद गोरी जब आया 1193 में, उसने लड़ाई जीती पृथ्वीराज चौहान से, तो उसने क्या कि लड़ाई जीतने वह संपत्ति लूट कर तो ले गया, लेकिन उसने जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को, उसका एक गुलाम था, उसको यहाँ का शासक नियुक्त करके चला गया। उसके बाद हम देखते हैं गुलाम वंश की स्थापना हो जाती है। तो वो लोग जो है लगातार संपत्तियों को बाहर भेजते रहते हैं लेकिन शासन स्वयं संभालते हैं। फिर उसके बाद जो है खिलजी वंश आता है, लोधी आता है, डिफरेंट वंश आते जाते हैं। फिर इस तरह से देखते हैं भारत में जो है वास्को डी गामा आता है, फिर जो है फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी आती है और ये लोग लूट करके संपत्ति को ले जाते हैं। अगर यहाँ पर आर्टिकल में कहा गया है कि जो इजराइल और फ़लस्तीन है, इनका बीच का जो झगड़ा कुछ इसी तरीके का है कि इजराइल जो है फ़लस्तीन के ज़मीन को धीरे धीरे जो है ऑक्यूपाई करता जा रहा है और फ़लस्तीनियन को जो उनकी फ़लस्तीन के नागरिक हैं उनके अधिकारों से ही उनको वंचित किया जा रहा है। और यूनाइटेड नेशन हो, चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो, चाहे अमेरिका कंट्री हो, चाहे वर्ल्ड का कोई भी कंट्री हो, उनका साथ नहीं दे रहा है। ये जो है इसका बेस पॉइंट है इस आर्टिकल को। तो अगर आर्टिकल को देखा जाए तो ये जो है इस रेफरेंस में कि हमें किस तरीके से गाजा में जो गाजा में एलिगेशन लग रहे हैं कि जो काउंटर फिर जो हमला हुए फिर काउंटर एलिगेशन लग रहे हैं, इन सब के बीच देखा जाए तो जो अमेरिका में कि एक अखबार है न्यूयॉर्कर मैगजीन, उसने जो है वहाँ पर एक हमास के सीनियर लीडर ने जो है मूसा अबू मारजुक ने एक इंटरव्यू दिया है 13 अक्टूबर को। उस इंटरव्यू में उसने क्या कहा कि हमने जो है वी रोल डाउन ऑल ऑफ द पाथवे टू गेट सम ऑफ आवर राइट्स नॉट ऑल ऑफ देम। तो उसने कहा कि हम जो है बहुत कोशिश किए कि हम कुछ अपने अधिकारों को पा सकें, हम कुछ ऐसे रास्ता बना सकें जिससे हमें कुछ जो है राइट्स, ह्यूमन राइट्स या सिंपल जो है सिटीजन राइट मिल जाए या नेशनलिटी का राइट मिल जाए, लेकिन हमें उसमें से कुछ भी नहीं मिला। हमने जो है सभी लोगों के दरवाजे खटखटाए, हमने रिकंसिलिएशन करने के, समझौता करने, मध्यस्थता करने की बात की, लेकिन हमें अलाउ ही नहीं किया गया। हम वहाँ पर इलेक्शन कराना चाहते थे लेकिन उसके लिए हमें डिप्राइव कर दिया गया। और हमने जो है सारे पॉलिटिकल तरीके से पूरी दुनिया में घूमा, हम जो कि हमने एक रिप्रेजेंट करना चाहा स्वयं को कि हम शांति स्थापना चाहते हैं और हमें हमारे राइट्स दिए जाए, हमें अधिकार दिए जाए, लेकिन हमें वंचित रखा गया। हमने सारे प्रयास किए लेकिन हमारी कोई भी पॉलिटिकल पाथ जो है बन न सकी। और अगर देखा जाए तो हमारे जो है ज़मीनों पर धीरे धीरे ऑक्यूपेशन बढ़ता रहा और हमने अमेरिकन से, यूरोपियन से जो है कोशिश किया कि फ़लस्तीन के पीपल को कुछ राइट्स मिल जाएँ, लेकिन हमें कोई बेनिफिट उसका नहीं हुआ। ये उसका जो है इंटरव्यू है जो उसने न्यूयॉर्क टाइम्स में दिया। और इससे आगे कहा कि जो 1948 में 14 मई 1948 को उन्होंने क्या किया, हमला कर दिया और धीरे धीरे ज़मीन को ऑक्यूपाई करते रहे। और अगर देखा जाए तो फ़लस्तीन के इस नेता का कहना है कि हमने टू स्टेट नेशन की भी बात रखी लेकिन वो अचीवमेंट नहीं हो पाए। लेकिन टू स्टेट नेशन जो है भारत ही सपोर्ट करता है, यूनाइटेड स्टेट में ये जो है कॉन्फ्लिक्ट का मैटर है और जो बहुत सारे देश जो है कुछ बोलते नहीं हैं, कुछ टू स्टेट नेशन को लेकर के चलते हैं। तो टू स्टेट नेशन का मतलब है कि वहाँ पर इजराइल और फ़लस्तीन नाम के दो देश बना जाए, इजराइल और फ़लस्तीन, और वहाँ पर जो है यहूदियों के लिए इजराइल होगा और जो मुस्लिम हैं उनके लिए फ़लस्तीन होगा। लेकिन एक्चुअल में ये रिजोल्यूशन आज तक हो नहीं पाया है। आगे देखा जाए तो अबू मारजुक ने क्या कहा कि शुरुआती चरण में जब कन्फ्लिक्ट हुए तो इजरायलियों ने क्या किया, हमें हमारे ज़मीनों से, बॉर्डर से ख़त्म कर दिया। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट द पैलेस्टीनियंस आर क्रॉसिंग द बॉर्डर एंड फाइटिंग इन देयर हिस्टोरिक लैंड। तो पैलेस्टीनियन ऐसा पहली बार किए हैं कि उन्होंने अपने तरफ से, उन्होंने जो इजराइल और फ़लस्तीन के बीच बॉर्डर थे उस बॉर्डर को क्रॉस किया है और फाइट कर रहे हैं। हिस्टोरिक एक इवेंट है ये, हिस्टोरिक फाइटिंग कर रहे हैं अपने लैंड को पाने के लिए। तो ऐसा उनका कहना है, इस राइटर का डायरेक्ट आर्टिकल में नहीं लिखा गया। जैसे कि
ब्रिटेन से हमें आज़ादी चाहिए थी तो हमने ब्रिटिश के खिलाफ आंदोलन किया जिससे वो यहाँ से चले जाए, तो कुछ ऐसा ही इस आर्टिकल में मनोवैज्ञानिक भाव है लेकिन एक्चुअल में लिखा नहीं गया है। अब देखा जाए तेल अबीब, तेल अबीब क्या है, इजराइल की राजधानी जो कि अब जो है बना करके यरूशलम को कर दिया गया है। अगर देखा जाए तेल अबीब का जो रिस्पांस है कि इजराइल का जो रिस्पांस है कि हमास ने उसे अटैक किया और अब क्या कर रहा है इजराइल, उसे कहा है जो गाजा पट्टी है, एक वेस्ट बैंक है एक गाजा पट्टी है, तो गाजा पट्टी की जो नार्दर्न पोर्शन है उसे इजराइल ने कहा है कि उसे लोग खाली करें और वहाँ पर जो है हम हमास के सारे ठिकानों को, उसके जो एजेंस जो घर हैं या अन्य सैनिकों के अड्डे हैं उन सबको हम नष्ट करेंगे। लेकिन वो लोग करीब करीब 300,000 लोग जो है दक्षिण की तरफ शिफ्ट हो गए। लेकिन जैसा कि हमने कल आर्टिकल में डिस्कस किया था कि आज भी इजराइल और पैलेस्तीन का जो कॉन्फ्लिक्ट भले चल रहा है लेकिन इजराइल की ही ऊपर डिपेंडेंट है पूरी तरीके से पैलेस्तीन। यहाँ के जो है जो बात करें फूड की, वाटर की, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारा जो है फूड वाटर फ्यूल जो है इजराइल ही प्रोवाइड कराता है। अब उसने क्या किया, उसे कट कर दिया है। अब इसके वजह से क्या हो रहा है कि पैलेस्तीनियन जो है उन्हें जो है न तो खाना ढंग से मिल रहा है, न पानी मिल रहा है, न पेट्रोल या बिजली वगैरह मिल रही है। तो करीब 300,000 ऐसे लोग हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा संकट की स्थिति को गुजर रहे हैं। अब हमें ये देखने वाली बात है कि जो नॉर्दर्न पोर्शन को खाली कराया गया तो कुछ लोग मान रहे हैं कि इजराइल उससे हो सकता है ऑक्यूपाई कर ले, जैसा कि उसने 14 मई 1948 से पहली बार जब इजराइल एग्जिस्टेंस में है तब से वो कर रहा है और 14 मई 1948 के बाद उसने करीब 656,000 अरब को जो है वहाँ से खदेड़ दिया था। तो हो सकता है कि ऐसा ही वो प्रेजेंट टाइम में करे, और लेकिन ऐसा संभावनाएँ कम दिख रही हैं क्योंकि अमेरिका का इजराइल के ऊपर दबाव साफ दिख रहा है, भले वो लड़ाई चल रही है लेकिन अमेरिका का दबाव दिख रहा है। और वैसे भी जो गाजा स्ट्रिप है उसकी 13,00,000 आबादी है, तो अगर ये इजराइल उसे जो है वहाँ खाली भी करा ले तो 13,00,000 लोग जाएंगे कहाँ फिर, और जो है समस्याएं आने वाली हैं। तो ऐसा संभावना तो कम दिखता है लेकिन फ्यूचर को कोई नहीं जानता है। तो इजराइल, इस आर्टिकल में ऐसा कहा गया है कि जो इजराइल वालों को ऐसा लगता है कि जो जीव जो हैं, जो यहूदी हैं, उनका यूरोप में जो है जेनोसाइड हुआ हिटलर के समय में, लेकिन ऐसा वो लगता है कि वो हमें उसका कारण मानते हैं कि अरब वालों के वजह से जेनोसाइड हुआ और उसके दोष हमें देते हैं और इसलिए हमारे ऊपर वो अपना अधिकार कर रहे हैं। तो जो नाजियों ने किया, जो क्राइम किए, उसको नाजियों को एलिमिनेट करने के बजाय वो पैलेस्टीनियन को एलिमिनेट करना चाहते हैं। इसमें देखा जाए तो एक राइटर हैं जो कि यहूदी ही हैं, व्लादिमीर जेकोटिंस्की, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने जो राइट विंग जियोनिज्म है, वो भी जियोनि मतलब ये यहूदी वो भी हैं राइट विंग के, उन्होंने क्या लिखा है 1923 में ही उन्होंने लिखा था, जियोनिज्म इज ए कॉलोनाइजिंग एडवेंचर एंड देयर फॉर इट स्टैंड्स आर फॉल बाय द क्वेश्चन ऑफ आर्म फोर्सेज। तो जियोनिज्म जो है उनका कहना है कि जो ये कॉलोनाइजिंग एडवेंचर हैं और इनका जो उत्थान और पतन जो है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आर्म फोर्सेज कैसी हैं, आर्म फोर्सेज बड़ी हैं तो ये हमेशा उत्थान की तरफ बढ़ेंगे, इसलिए जियोनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, जो यहूदियों का कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति इकट्ठा की जाए जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पावर में आ सकें और अपना उत्थान कर सकें। अब पैलेस्तीनियन को जो है उस राइटर ने ही लिखा है कि पैलेस्तीनियन को ये ध्यान रखना चाहिए कि अपने लैंड को, अपने ज़मीन को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, जीव चाहे कितना भी जो है वहाँ पर जो है हमला करें चाहे कुछ भी करें, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो जीव जो है यहूदी जो है अपने आप को एक बहुत सुपीरियर रेस मान लेंगे जैसा कि हिटलर मान रहा था, और एक सुपीरियर रेस हो जाएगी और एक बहुत ज़्यादा क्रुएल्टी का मैटर होगा और वो हमेशा के लिए आगे बढ़ जाएंगे क्योंकि वो एक मेंटली मानसिक रूप से सुपीरियर मान लिए जाएंगे। तो इसमें उन्होंने कहा कि इस चीज़ ध्यान रखना चाहिए, इस तरीके कोई परसेप्शन नहीं बनना चाहिए। लेकिन देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन में भी इसका मामला चल रहा है और यूनाइटेड नेशन में जो है टू स्टेट नेशन, यूनाइटेड नेशन की बात की जाए तो एक्चुअल में यूनाइटेड नेशन पैलेस्तीन को कोई राष्ट्र नहीं मानता है, इसराइल को राष्ट्र मानता है, लेकिन जो पैलेस्तीन को लगातार सपोर्ट करता है उसे एक ऑब्जर्वर स्टेटस का दर्जा दिया हुआ है। इसके वजह से 2011 में बहुत ज़्यादा फंडिंग की वजह से इसराइल नाराज हो गया और हम जानते हैं कि कुछ साल पिछले 2 साल पहले क्या किया इसराइल और अमेरिका ने, क्या किया यूनेस्को जो एक यूनियन की बॉडी है उससे अपने आप को छोड़कर चले गए, लेकिन फिर से अमेरिका उसमें शामिल हो रहा है, इजराइल शामिल अभी नहीं हुआ है। तो इजराइल और पैलेस्तीन अब प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो यूनेस्को के दोनों मेंबर नहीं हैं, लेकिन यूनेस्को जो है यूनाइटेड नेशन में इजराइल जो है एक मेंबर है जबकि पैलेस्तीन कोई मेंबर नहीं है। तो 2016 में एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन आया 2334 नाम से, उसमें कहा गया था कि जो सेटलमेंट है
एक जो है टू स्टेट सोल्यूशन ही इसका फाइनल सोल्यूशन है, और जो भी सेटलमेंट है उसे जो है डिजायरेबल नहीं मान सकता, उसे एक लॉ के अंडर हमें हम नहीं मान सकते, एक अनलॉफुल एक्टिविटी है। उसमें जो है 2020 में हम देखते हैं अब्राहम एकार्ड होता है 2 सितंबर 2020 में, और उसमें ये कोशिश किया गया कि टू इंड रेडिकलाइजेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, जो है रेडिकलाइजेशन है, उपद्रव है, कॉन्फ्लिक्ट है, उसे ख़त्म करें और इस बात को बिल्कुल इग्नोर कर दें कि दोनों पक्षों ने पहले क्या किया। तो प्रीवियस टाइम में दोनों पक्षों ने क्या किया, किसने किसके ऊपर कितना हमला किया, किसने क्या किया, उस चीज़ों को हटा करके हमें अब्राहम एकार्ड, तो इज़राइल जो है इसमें हम देखते हैं कि यूनाइटेड अरब अमीरात से उसने दोस्ती किया, लेबनान, मोरक्को, मिस्र, कई दोस्तों के साथ उसकी अच्छी दोस्ती हो गई है, और सऊदी अरब से साथ जो है उसके जो है नॉर्मलाइजेशन की बात चल रही थी, लेकिन इसमें ऐसा माना गया कि इज़राइल और जो सऊदी अरब के बीच जो है नॉर्मलाइजेशन रिश्ते नॉर्मलाइज हो रहे हैं वो ईरान उसे बर्दाश्त नहीं कर सका, इस ईरान ने ही हमास को उकसाया है, ऐसा माना गया है, कुछ पहले हम आर्टिकल में डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे देखें, नो मोर इनविंसिबल, तो अजय कौन है, कौन अजय नहीं है, इसमें देखा जाए तो इज़राइल को अब ऐसा माना जा रहा है कि इज़राइल जो है पहले सिचुएशन में अजय रहा है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में स्थिति ऐसी नहीं है, और इज़राइल जो है उसने डिसाइड किया है वो हमास को पूरी तरीके से ख़त्म कर देगा, उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी को ख़त्म कर देगा, और जो टेररिज्म का मामला है वो पूरी तरीके, जो थ्रेट है टेररिज्म का उसे गाजा स्ट्रिप से जो मिल रही है उसे ख़त्म कर देगा, और इसके लिए मैक्सिमम प्रेशर लगा रहा है एक सोल्यूशन मिले, जो हॉस्टेज इशू है उसका सोल्यूशन किया जा सके। लेकिन अगर देखा जाए तो ये थोड़ी सिचुएशन पहले जैसी नहीं है, सही बात है, क्योंकि वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स बदल गई है, अब पूरे देश में देखा है, पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो सेल्फिशनेस जो है स्वार्थ की भावना ज़्यादातर दिख रहने शुरू हो गई विश्व में। अगर देखा जाए तो अरब कॉलमनिस्ट एक राइटर हैं अब्दुल बारी अतवान, उन्होंने क्या लिखा है कि अब प्रेजेंट टाइम में जो फाइटिंग चल रही है, अगर इजराइल इससे लड़ रहा है तो एक्चुअल में उसको जो है दो तरीके से अब उसको ही घाटा होने वाला है, क्योंकि उसका जो है स्टेटस उसे घटेगा और इससे साफ पता चलेगा इट्स स्कैरीनेस एंड डिटरेंट पावर, अब वो बहुत बड़ा डिटरेंट पावर नहीं बन के उभरेगा, क्योंकि उसकी जो इंटेलिजेंस फेलियर है उसी को लेकर के ऐसा माना जा रहा है। तो प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो यूनाइटेड स्टेट का जो उसके एलाइज हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनके भी कुछ देखा जाए तो प्रेजेंट टाइम उनके सिचुएशन या रिस्पांस बदले हुए लग रहे हैं, और इसमें ऐसा माना गया है, जो कुछ मीडिया ऐसा पर्सन लिख रहे हैं कि एक्चुअल में इजराइल को ही वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अब पर्टिनेंट कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन हमारे सामने ये दिखने आ रहे हैं, एक राइटर हैं थॉमस एल फ्रेडमैन, उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स में उन्होंने लिखा 16 अक्टूबर 2023 को, उन्होंने कहा कि अगर इजराइल गाजा में जाता है और फिर वो जो है इस तरीके से जो कुछ सिचुएशन पैदा होगी तो जो अब्राहम एकार्ड हो रहा है एक्चुअल में वो हो सकता है ख़तरे में आ जाए, और जो अमेरिका के जो बड़े दोस्त देश हैं जैसे इजिप्ट और जॉर्डन, ये जो है अमेरिका के साथ बहुत अच्छे उनके रिश्ते हैं, हो सकता है उनके रिश्ते बिगड़ना शुरू हो जाए, जो सऊदी अरेबिया के साथ नॉर्मलाइजेशन की बात चल रही है रिश्तों की वो हो सकता है तो फिर इम्पॉसिबल हो जाए, और जो एक स्ट्रेटजिक जो है सेटबैक लगने वाला है, क्योंकि इजराइल भी अब चाहता है कि लड़ाइयों से दूर रखा जाए, अपने आप को दूर रखा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम टेक्नोलॉजी में या कंट्री के डेवलपमेंट में काम कर सके, क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग है चाहे ग्लोबलाइजेशन का है, जो ग्लोबल हम देख रहे हैं रिसेस चल रहा है पीरियड, जो इकोनॉमिक सेटबैक लग रहे हैं पूरे विश्व में, और जो कोरोना जैसी सिचुएशन आ जा रही है अचानक में, तो ऐसी कुछ चीज़ों से बचने के लिए लड़ाइयों के अलावा भी हमें कुछ करना होगा। तो एक स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक इजराइल को सेटबैक लगने वाला है, और इसके अलावा ये भी है कि हमास को इससे जो है काफ़ी ज़्यादा ताकत मिल रही है, क्योंकि इजराइल की अगर एक सिक्योरिटी इंटेलिजेंस फेलियर है तो इन फ्यूचर में हो सकता है कि हमास इससे भी बड़ा हमला कर सके, और जो जीविस सेटलमेंट है इजराइल है जो पैलेस्तीन के दोनों साइड है, एक तरफ वेस्ट बैंक है दूसरी तरफ गाजा स्ट्रिप है, तो वहाँ संकट आ सकते हैं। अब इसमें बात है कि इस तरीके से ईरान जो कि अपनी स्ट्रेटजी बनाया है, ईरान अपने स्ट्रेटजी में सफल रहेगा और वो जो इजराइल को हो सकता है धीरे धीरे वीक करता चला जाए, जो उसकी डेमोक्रेसी है इजराइल की वो भी जेविस डेमोक्रेसी भी कमज़ोर हो सकती है, ऑटोमेटिक अपने ही अंदर हो सकता है क्योंकि कलह उत्पन्न हो जाए। अब फ्रेडमैन ने आगे भी लिखा है कि अगर इजराइल जो है हमास को ख़त्म कर दे क्या होगा, अगर मान लीजिए कि इजराइल ख़त्म ही कर दे हमास को तो क्या गाजा को गवर्न कौन करेगा, क्योंकि गाजा का गवर्नमेंट जो है पैलेस्तीन की गवर्नमेंट नहीं देखती, उसे जो है हमास ही देखता है, तो इजराइल क्या गाजा पट्टी को गवर्न करने की इच्छा रखता है या
वहाँ पर अगर गौर स्वयं करेगा तो जो इस समय डिमोलिश हो रहे जो बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो रहे हैं उनको कौन बनाएगा? अगर ऐसा करता है नहीं करता है तो फिर बनाएगा कौन? तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता है कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी क्रिएट हो जाएगी साउदर्न गाजा में, तो क्या इजराइल इन सब के लिए तैयार है? तो ऐसा माना जा सकता है कि इजराइल ये सब इतना नहीं कर सकता क्योंकि इतनी ज़्यादा पैसा इजराइल खर्च नहीं करेगा। तो अब इससे क्या होगा कि फिलिस्तीनियन की एक अथॉरिटी बन जाएगी और जो हमास है उसका हो सकता है, क्योंकि हमास एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक मरेगा चार जिंदा हो जाएंगे। तो इस तरीके से एक और समस्या भविष्य में आ सकती है। तो इसका जो मेनली अगर देखा जाए तो टोटल एक कंक्लूजन के रूप में देखा जाए तो जो टू स्टेट सोल्यूशन की हम बात करते हैं कि एक यहूदियों का कंट्री बना दिया जाए, एक मुस्लिम कंट्री बना दिया जाए और एक इजराइल और फिलिस्तीन नाम के दो देश बन जाए, पूरे इंटरनेशनली उसको रिकॉग्नाइज किया जाए, यही एक पार्टिकुलर सोल्यूशन दिख रहा है। क्योंकि युद्ध किसी भी समस्या का जो है अंत करने का एक प्रयास हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में समस्या को अंत नहीं करता है, वो समस्या को रखने वाले समस्या के ग्रसित लोगों को सभी लोगों को अंत कर देता है, पूरी तरीके से सारी चीज़ें ध्वस्त हो जाती हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है मणिपुर नीड्स ए प्लेटफार्म फॉर संवाद। तो हम देखते हैं कि मई में मणिपुर वायलेंस शुरू हुआ था, उसके बाद जो है कई जगह वायलेंस और हुए, बंगाल में हुए, फिर हरियाणा में हुए। तो उसमें अगर देखा जाए तो जो ये पूरी सिचुएशन देखने को मिल रही है तो भारत एक इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन भारत में रहेगा, भारत की एक फीचर ही रहेगी, भारत एक इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन भारत में रहा किसी समस्या को सॉल्व करने का। तो मणिपुर की समस्या को सॉल्व करने के लिए इसमें आर्टिकल में सुझाव दिए गए कि हमें डायलॉग या संवाद के माध्यम से अगर हम बातें करें तो बहुत सारी चीज़ें सुलझ सकती हैं, जैसा कि भारत का एक इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन रहा, एक फीचर रहा है। अब भारत में हमेशा से माना गया है कि जो अपोनेंट पक्ष है, जो पूर्व पक्ष है या जो विपक्षी है, उसे हमें जो है बहुत ज़्यादा जो है उसे प्यार से बात करनी चाहिए। हमें इसके पीछे ये कारण नहीं है कि हम उसे हराना चाहते हैं कोई या उसके आर्गुमेंट में जीतना चाहते हैं। हमें ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम अपोनेंट को जितना ज़्यादा समझेंगे उससे हम उससे अच्छे से आर्गुमेंट कर सकते हैं और बहुत अच्छा एक ट्रेडिशन बन जाएगा संवाद का, डायलॉग का। तो ये चीज़ें जो है हमें अप्लाई करनी चाहिए। लेकिन अगर अपोजिशन इसके विपरीत कोर्सियन या वायलेंस पर उतर आए तो एक तरीके से देखा जाए तो मोनोलॉगस पोसेशन हो जाता है और एक्चुअल में लोग अपने ही ट्रुथ को, अपने ही सत्य को अंतिम सत्य मान लेते हैं, जैसा कि पूरे विश्व में आजकल देखने को मिल रहा है। पूरे हिस्ट्री में देखा जाए, पूरे ग्लोब में देखा जाए तो ऐसा ही मिलता है कि अब लोग विपक्ष को इस तरीके से प्यार से नहीं बात करते हैं कि उनको जो है हम संवाद करें और उनके पक्षों को जान सकें और क्या एक्चुअल सच्चाई है, दूसरा पक्ष क्या सोचता है उसको जान करके हम आर्गुमेंट से सॉफ्ट पावर से जीत सकें, ऐसा नहीं हो रहा है। इसके वजह से हम देख रहे हैं पूरे विश्व में एक नेशनलिटी के नाम पर, रिलीजन के नाम पर, कम्युनिटी के नाम पर, एथनीसिटी के नाम पर लड़ाई हो रही है, चाहे वो इसराइल का हो युद्ध हो, चाहे न्यू जो हरियाणा में हुआ, चाहे मणिपुर का हो। जैसा कि हम देख रहे हैं इजराइल में गाजा पट्टी में लड़ाई चल रही, अभी हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया। तो इस तरीके से देखा जाए तो काफ़ी लार्ज स्केल पर वायलेंस हो रहे हैं जो भारत में देखा जाए तो मणिपुर में हुए, ये जो है काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक रहा है। इसलिए हमें यहाँ पर देखने की ज़रूरत है कि जो क्राइसिस है वो क्यों आ रही है। द क्राइसिस इन द स्टेट, जो क्राइसिस स्टेट में आ रही है वो एक्चुअल में देखा जाए तो पिछले 5 महीने में जो कुछ भी हुआ अभी तक जो है एक्चुअल में सत्य क्या है, उसके पीछे वायलेंस के पीछे क्या कारण थे, क्यों हुआ, एक्चुअल रीजन अभी तक सामने नहीं आ पाया। तो अगर देखा जाए तो दोनों ग्रुप जो है एक दूसरे कॉन्ट्राडिक्टिंग फैक्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि अपने अपने ट्रूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन जो थर्ड पार्टी है अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो माना जा रहा है जिसके विपक्ष में है वो उसके द्वारा इन्फ्लुएंस में है। जैसे कि देखा जाए जो गिल्ड है, जो अखबार के जो मीडिया पर्सन है, जो प्रिंट मीडिया हो चाहे डिजिटल मीडिया हो या किसी अन्य तरीके का मीडिया हो, उनके खिलाफ जो है कुकीज, जो मणिपुर में मैती और कुकीज में लड़ाइयाँ चली हैं, तो ऐसा माना गया है कि कुकी के फेवर में रिपोर्ट ज़्यादा किए गए हैं, जिसके वजह से एक बायसनेस आ गई है। तो ये चीज़ें देखने के फिर गिल्ड जो है, ये जो अखबार वाले हैं, इन लोगों ने सबने सुप्रीम कोर्ट में जो है एप्लीकेशन दिया कि इस तरीके की चीज़ों को न्यूट्रलाइज किया जाए और जो इन्फॉर्मेशन है उसको ध्यान में रखा जाए कि मैती और जो कुकी के बीच लड़ाई हुआ है इन्होंने कोई बायसनेस नहीं दिखाई, ऐसा चीज़ें हैं। अगर देखा जाए तो जो कुछ फाइंडिंग है, कमेटियां बैठ रही हैं लेकिन एक्चुअल देखा जाए तो काफ़ी स्लो रही हैं, और स्लो होने के कुछ फ़ायदा, ऐसा फ़ायदा भी है कि कुछ धीरे धीरे चीज़ें वहां पर मटेरियलाइज हो रही हैं, कुछ पिक्चर आ रहे हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी चल रहे हैं, यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर बनाए गए हैं जिससे कि जो है केसेस सामने आ सकें। लेकिन इसमें देखा गया है कि जो कुकी की दो महिलाएँ थी जिनको नंगा करके जो है परेड कराया गया, कुछ जो है
मैती के दो स्टूडेंट थे जिनका किडनैप किया गया फिर हत्या कर दी गई। कुछ जो है फार्मर कैडर जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ मणिपुर के थे उसके जो दो कैडर किए गए उनको अरेस्ट किया गया। फिर इसके बाद जो है कुकी मिलिटेंट जो है कुछ बम ब्लास्ट किए मल्टी एथनिक कवा विलेज में, जो कुकी मिलिटेंट ने क्या किया ऐसा कुकी के जो रीजन में है। तो इस तरीके बहुत सारे सेवरल चीज़ें देखने को मिली जो कि एक्चुअल में एक के बाद दूसरे इवेंट होते गए। अब भारत में देखा जाए तो एक बहुत बड़ा समस्या ये भी है कि जो ड्रग ट्रैफिकर हैं मणिपुर में ड्रग्स का ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा होता है, तो एक ये भी कारण है उसको कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। तो इसमें देखा गया है कि जो ड्रग ट्रैफिकर हैं उन्हें भी मिजोरम आसाम त्रिपुरा दिल्ली से जो है गिरफ्तार किया गया और उससे चीज़ सामने आया कि कुछ इल्लीगल एक्टिविटी इनके तरफ से भी कुछ ये लोग भी फैला रहे हैं, इनका भी कुछ ना कुछ जो है इन्वॉल्वमेंट है और जो ड्रग्स का ट्रेड है इसके भी ऊपर असर है। इसलिए जो है यहाँ पर समस्याएं और भी सामने आ रही क्योंकि कुछ ना कुछ गलत फंडिंग हो रही है। अब हार्डलाइनर्स की देखे जाए तो जो कुछ विपक्षी हैं जो परपिटेटर हैं उन्होंने वायलेंस को जो कुछ ऐसे नेता हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा कटु बयान देते हैं जिसकी वजह से हो सकता है ऐसी कुछ और भी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी प्रोपेगेंडा फैलाई गई जो विक्टिम है उसने ये कहा कि हम तो एक्चुअल में जो काम किए वो सेल्फ डिफेंस में, यानी जो वायलेंस है दोनों पक्षों ने एक दूसरे को ऐसा रिप्रेजेंट किया कि हमने जो किया वो सेल्फ डिफेंस था इसलिए हमने कोई अटैक नहीं किया और जो एक्चुअल में जो मैटर है वो हमारा कोई दोस्त नहीं है। तो फाइनली ह्यूमैनिटी जो है वही सेटबैक हुई है, कोई ग्रुप एक दूसरे के आरोपों को बर्दाश्त करने के पक्ष में नहीं है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि जो ये डिफरेंट स्टोरी सामने आ रहे हैं और ये मामला एक्चुअल में लॉ एंड आर्डर का है। अब लॉ एंड आर्डर जो वहाँ पर बिगड़ रही है तो जो पीपल जो एक्चुअल में एक दूसरे के लोग कम्युनिटी के लोग आपस में पीपल की भावना हुआ करते थे ब्रदरहुड या जो हम फ्रेटर्निटी की बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वहाँ पर इनिमिटी आ गई डिफरेंट कंट्री के बीच में फिर कुकी और मैती जो अब यहाँ पर जो हत्याएं हुई बहुत निर्हंस हुई उनका जो है तो स्थिति सबने देखा कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। अब यहाँ पर कुछ और नैरेटिव को देखा जाए तो कुछ इमेजिन किया गया कि कुकी जो है अपना एक नेशन बनाने की बात करते हैं तो एक वजह से और भी जो है बॉर्डर के साथ इशू हुए और इंसर्जेंसी क्रिएट हो गए कुछ इल्लीगल माइग्रेट क्योंकि कुकी को जो माना जाता है कि ये म्यांमार से आए हैं और इनका जो है लगातार इल्लीगल माइग्रेशन हो रहा है और नार्को टेररिज्म का भी मामला है। और एक्चुअल में हम जानते हैं कि भारत में जो है जो ड्रग्स की तस्करी बहुत तेज़ी से होती है, ये जो है हर तरफ से होती है, पहाड़ों के क्षेत्र से समुद्र के क्षेत्र से बहुत तेज़ी से हो रही थी, जो है नार्को टेररिज्म भी इसके पीछे कारण है। लेकिन इसके ये एक्चुअल में केवल मणिपुर के लिए नहीं पूरे भारत के लिए थ्रेट है और सभी इंडियन स्टेट इसके जो है प्रति काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल हैं, जो है संवेदनशील हैं, इसलिए भी ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि नार्को टेररिज्म किसी भी उपद्रव को बहुत तेज़ी से बढ़ा सकता है। फोकस ऑन इट्स बॉन्ड्स, अब बॉन्ड्स की बात की जाए तो जो डिफरेंट कम्प्लेक्स चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें हमें एक होलिस्टिक ट्रूथ को फाइंड आउट करने की ज़रूरत है और हमें जो है एक डायलॉग बनाने की ज़रूरत है। एक्चुअल में जो दोनों पक्ष फैक्ट दे रहे हैं उन्हें हमें वेरीफाई करने की ज़रूरत है, एक्चुअल में किसी फैक्ट को डायरेक्ट ना माना जाए। और जो हार्डलाइनर्स हैं जो बहुत कटु नेता हैं जो कट्टर नेता हैं उनको थोड़ा सा एक प्रॉब्लमेटिक जो कुछ ऐसे वर्ड का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो पॉलिटिकली जो एक बहुत बड़ा इन्वायरमेंट जो है वार इन्वायरमेंट क्रिएट कर दे जो कि बहुत बड़ा समस्या क्रिएट कर दे। इसलिए अगर हमें को एग्जिस्टेंस बनाना है तो जो मैट्रिमोनियल बॉन्ड थे वो तो सही है नहीं, लेकिन हमें देखते हैं कि जो इथनिक कम्युनिटी होती है उनमें जो है मैट्रिमोनियल बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा होती है, एक्चुअल में उनका वही रियलिटी है। तो इथनिक कम्युनिटी को भी ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, लेकिन हाँ इस बात को देखने की ज़रूरत है कि जो संवाद हैं डायलॉग हों सही दिशा में चले और जो फैक्ट हैं उन्हें हम क्रॉस चेक भी करें, काउंटर क्लेम अगर आते हैं उन्हें भी वेरीफाई किया जाए। तो भारत के जो इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन रहा है संवाद का उसे हमें प्रयोग करना चाहिए, एक ओपननेस लानी चाहिए ट्रूथ को फाइंड आउट करने के लिए और जहाँ कहीं आवश्यकता हो हमें जो है ये डायलॉग को अपनाना ही अपनाना चाहिए, इसके अलावा कोई अन्य माध्यम शायद संभव प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। लड़ाई तो किसी समस्या का समाधान नहीं है। तो मणिपुर को देखा जाए तो एक पूरी तरीके से संवाद के प्लेटफार्म की आवश्यकता है, न कि वहाँ पर वायलेंस या मिसट्रस्ट की, तो मिसट्रस्ट को हटाना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। तो ये था आर्टिकल 2। ये जो नेक्स्ट आर्टिकल है रिन्यूड रिस्क, इसमें RBI के जो मॉनेटरी पॉलिसी के जो रिपोर्ट आए हैं उसके बाद जो है इजराइल और पैलेस्तीन की लड़ाई चल रहा है उससे रिलेटेड है, लेकिन वो हमारे एग्जाम के लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। और इंटरनेंसी इंटर
इंटरनेशन स्क्वेबलिंग जो है ये अमेरिका की लोकल पॉलिटिक्स से है, वो भी हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये था आज का एडिटोरियल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।